जी वेलकम बैक। तो हम डिस्कस कर रहे थे बिल्ड प्रोसेस को, ठीक है। वो कंप्लीट फ्लो हमने देख लिया, अब ज़रा इसके अंदर जाके डिफरेंट पोर्शंस स्टडी करते हैं। ओके, सो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज, पैकेज से बोलते हैं, इज द पैकेज फाइल फॉर्मेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड इंस्टॉलिंग एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स। जो आप ऐप्स बनाते हैं उसको किस फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और उसी फॉर्मेट में वो जाके डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर इंस्टॉल होता है, उसको एपीके कहते हैं। द बिल्ड प्रोसेस इन्वॉल्व्स टूल्स एंड प्रोसेसेस दैट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट ईच प्रोजेक्ट इनटू एन एपीके। सो बिल्ड प्रोसेस बेसिकली इज अ प्रोसेस टू यूज डिफरेंट टूल्स एंड प्रोसेसेस टू कन्वर्ट अ प्रोजेक्ट टू एपीके। एंड्रॉइड स्टूडियो यूजेस ग्रेडल, ग्रेडल यूज करता है एज द फाउंडेशन ऑफ द बिल्ड सिस्टम विद मोर एंड्रॉयड स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज प्रोवाइडेड बाई द एंड्रॉयड प्लग इन फॉर ग्रेडल। एंड्रॉयड एक प्लग इन है ग्रेडल के लिए, ठीक है, तो वो प्लग इन यूज करके ग्रेडल इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट एन एंड्रॉयड प्रोजेक्ट टू एन एंड्रॉयड। दिस बिल्ड सिस्टम रन्स एज एन इंटीग्रेटेड टूल फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो मेनू। तो इसको आप एंड्रॉयड स्टूडियो कंप्लीट पैकेज के लिए रन हो रहा होता है, और ये एक इंटीग्रेटेड टूल है इनसाइड द एंड्रॉयड स्टूडियो। आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा एंड्रॉयड स्टूडियो में ग्रेडल। व्हेन यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो ऑटोमेटिकली जनरेट्स द नेसेसरी बिल्ड फाइल्स इन द ग्रेडल स्क्रिप्ट फोल्डर इन द प्रोजेक्ट एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो बिल्ड फाइल्स आर नेम build gradle as shown below. ठीक है, दो ग्रेड फाइल्स हैं इम्पोर्टेंट। वन इज बिल्ड डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट ऐप टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप टाइटल आपको नजर आ रहा होगा, और ये बेसिकली पूरे प्रोजेक्ट के लिए ग्रेडल है। ठीक है, ओके, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, इसको हम मॉडिफाई करेंगे, ये हम मॉडिफाई नहीं करते, ये डिफॉल्ट ही होता है। ये बेसिकली आपके ऐप को एपीके में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो आपका ऐप मॉड्यूल है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड दिस इज ऐप। सो ये इसमें जनरल चीज़ें होती हैं, ठीक है, डिफॉल्ट ही रहती है, स्पेसिफिक चीज़ें अबाउट ऐप जो है इसमें। ठीक है, और यही मेजर पार्ट और मेजर रोल प्ले करता है इन द एपीके बिल्ड प्रोसेस। सो दिस वन हेलो टोस्ट इसी ऐप है, पर ये इसको हमें हम भी एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें, अब दोनों इंडिविजुअली एक्सप्लेनेशन की गई है। दिस इज द टॉप लेवल बिल्ड फाइल फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द रूट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी विच डिफाइंस बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दैट अप्लाई टू ऑल मॉड्यूल्स इन योर प्रोजेक्ट। तो आपके प्रोजेक्ट में डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकती हैं सबके लिए। दिस फाइल जनरेटेड बाय एंड्रॉयड स्टूडियो शुड नॉट बी एडिटेड टू इंक्लूड ऐप डिपेंडेंसीज। तो इसको आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है, जो डिपेंडेंसीज या लाइब्रेरीज हमने ऐड करते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड होती हैं, तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में उनको ऐड करते हैं, फिर वही डिपेंडेंसीज हम यहाँ ग्रेडल में मेंशन करते हैं। डिपेंडेंसीज आपने एंड्रॉयड स्टूडियो उठा के एपीके बना रहे हैं, तो वहाँ पे पैकेज करना। ओके, ये दूसरा जो मॉड्यूल है एंड्रॉयड स्टूडियो क्रिएट्स सेपरेट बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल ऐप फाइल्स फॉर ईच मॉड्यूल। ठीक है, यू कैन एडिट द बिल्ड सेटिंग्स टू प्रोवाइड कस्टम पैकेजिंग ऑप्शंस फॉर ईच मॉड्यूल सच इन एडिशनल बिल्ड टाइप्स एंड प्रोडक्ट फ्लेवर्स एंड टू ओवरराइड सेटिंग्स इन द मैनिफेस्ट टॉप लेवल बिल्ड ग्रेडल फाइल। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट टाइम ऐप बना रहे हैं, तो आपने उसको वर्जन 1 रखा हुआ, ठीक है, तो और फिर आप उस टाइम उसी ऐप को आप एक्सटेंड कर रहे हैं, तो पिछला वाला जो मॉड्यूल 1 था, ये मॉड्यूल 2 है। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 के लिए जो आप अलग से अगर आप चेंज करना चाहें 2 के लिए, तो आप चेंजेस इसी में करेंगे, ये मॉड्यूल ऐप वाले में जो प्रोजेक्ट वाला ग्रेडल है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वो ग्रेडल सेम रहेगा, वर्जन डिपेंडेंसीज नए फीचर्स ऐड करना वो
आप इसी में मेंशन करते हैं। दिस फाइल इज मोस्ट ऑफन द फाइल टू एडिट व्हेन चेंजिंग द ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन सच एज डिक्लेयरिंग डिपेंडेंसीज एंड डिपेंडेंसी सेक्शन। ठीक है, तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करना वो सारी हम इसी में चेंज कर लेते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग द बिल्ड प्रोसेस, तो वो ये बेसिकली वो फाइल है बिल्ड डॉट लेवल मॉड्यूल ऐप। ठीक है, सबसे पहले आपने कौन सा एंड्रॉयड प्लगइन यूज करना है ग्रेटर के लिए, तो ये दिस इज द मोस्ट कॉमन प्लगइन यूज फॉर बिल्ड। ठीक है, तो आप इसको जो है अप्लाई प्लगइन, ये प्लगइन आप इस बिल्ड प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें सारे रूटीन जो होते हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर एंड्रॉयड द फर्स्ट स्टेटमेंट अप्लाइज द एंड्रॉयड स्पेसिफिक ग्रेटर प्लगइन एंड बिल्ड टास्क। इट टेल्स द ग्रेटर द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंडिकेट विच प्लगइन शुड बी यूज्ड, तो कौन सा प्लगइन यूज करना। कंपाइल एस डी के वर्जन स्पेसिफाइज द एंड्रॉयड ए पी आई लेवल ग्रेटर शुड यूज टू कंपाइल दी एप, तो कौन से ऐप को जहन में रखे, कौन से एस डी के वर्जन को जहन में रखे इसको कंपाइल करना है। ठीक, तो वो एस डी के वर्जन कंपाइल एस डी के वर्जन में हमने मैंशन करना है। बिल्ड टूल्स वर्जन, तो बिल्ड के जो डिफरेंट टूल्स बिल्ड प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो वो टूल्स उन टूल्स का वर्जन क्या होगा, तो वही है। ठीक है, दिस मीन्स योर ऐप कैन यूज द ए पी आई फीचर्स इंक्लूडिंग दिस ऐप लेवल एंड लोअर, तो वो बेसिकली ये 24 से लेके मिनिमम एस डी के तक ये जितने भी वर्जन है सब के लिए ये एप्लीकेबल होगा एर एस टी के वर्जन के लिए कंपाइल किया। ठीक है, अच्छा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन को आप आई डी कोई नाम देते हैं वो होता है, फिर मिनिमम एस डी के वर्जन होता है, फिर टारगेट जिसके लिए आप बना रहे हैं वो होता है, फिर अच्छा फिर आप डिफरेंट वर्जन से बना रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसी बिल्ड फाइल के अंदर होती है, और इसी से ऐप स्टोर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये जो अभी ऐप आई है ये किसी पुरानी ऐप का नया वर्जन है, तो उस रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो वर्जन कोड नज़र नहीं आ रहा था, यूजर्स को वर्जन नहीं नज़र आ रहा होता, तो वर्जन कोड इंटरनल यूज किया जाता है, वर्जन में जो है वो बाहर दिखाने के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, और अगर आप बिल्ड टू वर्जन ना भी कर दें तो सिस्टम जो है ये ऊपर वाली की बात कर रहा है, सिस्टम ऑटोमेटिकली जो वर्जन सुटेबल है आपके लिए वो होगा। ओके, डिफॉल्ट कॉन्फ़िग ब्लॉक जो है ये हमने देखा कोई नंबर, अच्छा डिफाइन यूजर फ्रेंडली वर्जन नेम, अच्छा ये भी हो गया। ठीक है, ये मैं डिस्कस की, अब आगे ये चाहिए अच्छा ये जो पार्ट है दिस वन दिस टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन रनर। ठीक है, तो बेसिकली आपके ऐप को आप कुछ टेस्ट लिख सकते हैं, उसको प्रोजेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपका ऐप बन जाए तो उसको कुछ टेस्ट आप रन कर सकते हैं कि वो बिहेवियर चेक किया जा सके उस ऐप का जो आपने डिज़ाइन किया है, क्या है वो उस टेस्ट इन्वायरमेंट में सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सो दिस इज बेसिकली द डिफॉल्ट एंड्रॉयड रनर। ठीक है, टेस्ट रनर क्या आप यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड टू टेस्ट योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ लगी थी ये। ओके, ये भी हमें देखने पर है बिल्ड टाइप्स ब्लॉक इज वेयर यू कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल बिल्ड टाइप्स। ठीक है, तो डिफरेंट बिल्ड टाइप्स जो हैं डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन देती है, वन इज़ डिबग एंड अदर वन इज़ रिलीज, जो पॉपुलर है। सो बाई डिफॉल्ट द बिल्ड सिस्टम डिफाइंस टू बिल्ड टाइप्स, दिस बाई डिफॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो कॉन्फ़िगर्स द रिलीज बिल्ड टाइप, वो रिलीज बिल्ड टाइप यूज़ करता है टू इनेबल कोड श्रिंकिंग, अच्छा ये कोड श्रिंकिंग और मिनिफाई यूजिंग मिनिफाई इनेबल्ड एंड स्पेसिफाइज द डिफॉल्ट प्रोग्राम रूल रूल्स फाइल्स। ठीक है, तो
कोड को कैसे श्रिंक करना है, कैसे कंप्रेस करना है ताकि पीके कम बने, तो ये सारी जो बातें हैं, रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ये डिबग या रिलीज जो बिल्ड टाइप है उनमें मेंशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने कहा कि मैंने फाइंड जो इनेबल जो है वो फॉल्स है, ठीक है, और यहाँ पे श्रिंकिंग वाली बात है, तो ये श्रिंक होगा आपका जो ऐप है जो भी बिहेव बना। ठीक है, तो बिल्ड टाइप जो है इसको भी आप डिफॉल्ट ही छोड़ दे तो कोई मसला नहीं है। डिपेंडेंसीज कौन से सपोर्ट लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं, कुछ तो इधर इंक्लूड होती हैं ऑलरेडी पहले से होती है, लेकिन अगर आपने कोई नई सपोर्ट लाइब्रेरी यूज़ की है तो वो लाइब्रेरी जो है फिर आपको यहाँ पे सो क्या करना पड़ेगा, या इंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कीवर्ड, ये कंपाइल जो है ये पहले कंपाइल लिखते थे सामने, अब कंपाइल इम्प्लीमेंटेशन या ए पी आई लिखते हैं, क्योंकि ये अब थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है। ठीक है, सो ये डिपेंडेंसी ब्लॉक इन द मॉड्यूल लेवल बिल्ड कंपाइलर फाइल स्पेसिफाइज डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ओनली द मॉड्यूल इटसेल्फ। एंड्रॉइड स्टूडियो मेक्स इट ईजी टू इंक्लूड एक्सटर्नल बाइनरीज ऑफ लाइब्रेरीज मॉड्यूल टू योर बिल्ड डिपेंडेंसी। ठीक है, डिपेंडेंसीज कैन बी लोकेटेड ऑन योर मशीन और इन रिमोट रिपोजिटरी, तो किसी रिमोट एरिया पर भी हो सकती है, वापस स्टूडियो के अंदर भी हो सकती है। रिमोट पे होंगी तो फिर आपको उसका यूआरएल देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे है तो पाथ देना पड़ेगा, नेम से भी काम चलेगा। टू ऐड अ डिपेंडेंसी टू योर प्रोजेक्ट स्पेसिफाई अ डिपेंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन सच एज इम्प्लीमेंटेशन इन द डिपेंडेंसीज ब्लॉक, इम्प्लीमेंटेशन लेके आगे प्रोजेक्ट का नाम या फाइल। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग बिल्ड ग्रेडल फाइल फॉर एन ऐप मॉड्यूल इंक्लूड्स थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी। कंपाइल कॉन्फ़िगरेशन वाज डुप्लीकेटेड, ठीक है, खत्म हो गया, यहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं, शुड बी रिप्लेस बाई इम्प्लीमेंटेशन और एपीआई। वंस आपने ग्रेडल में डिपेंडेंसी नहीं ऐड कर दी या रिमूव कर दी तो आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को सिंक करना है। ठीक है, ताकि सिस्टम को पता चले कि अपने डिपेंडेंसी आ गई। When you make changes to build configuration files in a project, Android Studio requires that you sync the project files so that it can import the build configuration changes and run some checks to make sure the configuration won't create build errors. ठीक है, to sync the project files, click, जैसे आप चेक करेंगे तो आपके जो Android Studio है ऊपर navigation bar के नीचे एक yellow color का जो है वो टैब आ जाएगा, उसमें आपको सिंक की जरूरत है, चेंजेस हो गई, आप उस पर क्लिक करें तो सिम स्टार्ट हो जाएगा, और अगर कुछ मसला हुआ तो एक एरर आ जाएगा कि आपने चेंजेस की हैं वो जो है वो सपोर्टेड नहीं है या वो रिक्वायर्ड नहीं है या वो कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो वो आप मैसेज आ जाएगा, तो फिर आप दोबारा चेंजेस करके उसको सिम करेंगे। ठीक है, वंस ऐप जो है वो लेट्स से रेडी हो गया है, ऐप बन गया है, अब आप ऐप को टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट के लिए आप वर्चुअल डिवाइस या इम्यूलेटर जो है वो आप बना सकते हैं, उसको इम्यूलेटर भी कहते हैं, उसको वर्चुअल डिवाइस भी कहते हैं। विद वर्चुअल डिवाइस इम्यूलेटर्स यू कैन टेस्ट एन ऐप ऑन डिफरेंट डिवाइस सच एज टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स विद डिफरेंट ए पी आई लेवल्स और डिफरेंट एंड्रॉयड वर्जनस, तो आप वर्चुअल डिवाइस बना सकते हैं, उसके ऊपर अपना ऐप टेस्ट कर सकते हैं, उस वर्चुअल डिवाइस के ऊपर आप ए पी आई वर्जन चेंज कर सकते हैं, आप स्क्रीन की साइज चेंज कर सकते हैं, आप एंड्रॉइड का वर्जन डिफरेंट इंस्टॉल कर सकते हैं, आप टैबलेट्स टीवी डिफरेंट डिवाइसेस के लिए इम्यूलेटर बना सकते हैं, फिर उसके ऊपर जो ऐप डिज़ाइन है वो चेक कर सकते हैं। ऑल्दो इट्स अ गुड आइडिया, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन हैविंग अ फिजिकल डिवाइस अवेलेबल फॉर ऐप डेवलपमेंट। एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस ए वी डी मैनेजर क्रिएट्स, ए वी डी काम करता है, ए वी डी हम देखते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में ए वी डी कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आप करेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस ए वी डी में कौन कौन सी एंड्रॉइड कौन सा वर्जन होगा इसका, एस डी के इसके अंदर किस वर्जन का है, पी आई लेवल इसके ऊपर कौन सा वर्जन है, स्क्रीन साइज क्या है। ठीक है, फिर स्टार्ट एंड्रॉइड इम्यूलेटर, इट रीड स्पेसिफाइड कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएट्स एन इम्यूलेटेड डिवाइस ऑन योर कंप्यूटर दैट बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक अ फिजिकल वर्जन ऑफ योर डिवाइस। एग्जैक्टली बिल्कुल जो 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 फीचर्स फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस में होती हैं वही उस इम्यूलेटर के अंदर जो अपने वर्चुअल डिवाइस बनाए हैं, तो ये आपको बिल्कुल इम्यूलेटर नजर आया, इम्यूलेटर इसके ऊपर आपको प्रारंभ करके आपको दिखाया जाए। अभी हम खोलते हैं
एंड्रॉयड स्टूडियो, और उसमें देखते हैं कि जो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है वो कैसे बनाते हैं, कैसे इन्वर्टर में उसको हम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को चला के देखेंगे। पहले इमुलेटर जो वर्चुअल डिवाइस है वो डिज़ाइन कर लेंगे, और फिर उसके ऊपर हम चला सकेंगे जो ऐप हमने डिज़ाइन किया हो। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट होगा इस लेक्चर का, जहाँ पे हमने एंड्रॉइड के जो बेसिक फ्रंट एंड बैक एंड बिल्ड एपीके क्रिएशन, ठीक है, और फिर जो ऐप आपका रेडी हो जाए उसको एपीके कैसे बनाते हैं, और उस एपीके के ऊपर कैसे वर्चुअल डिवाइस पे रन करके टेस्ट की जाती है। तो अभी ये लेक्चर हम देखते हैं कि वर्चुअल डिवाइस कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो ये आपको एंड्रॉयड स्टूडियो नज़र आ रहा है, तो आपने हम बनाएंगे एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस कैसे बनाते हैं। जो वर्चुअल डिवाइस मैनेजर है आप उस पर आए, ठीक है, तो यहाँ पे आके ये देखिए AVD मैनेजर, यहाँ पे आप क्लिक करें, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक और विंडो नज़र आ जाएगी। ठीक है, उस विंडो में डिफरेंट AVDs डिज़ाइन करने का जो ऑप्शन है वो होगा कि आप AVDs कैसे आप डिज़ाइन करते हैं, उसके फीचर्स कैसे रखते हैं। ठीक है, तो सो आई होप कि आपको अब ये नज़र आ रहा होगा कि ये पहले से कुछ डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब हम नया एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अब तक कि आपको नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो एक और विंडो सामने आती है। ठीक है, और अब देखते हैं कि उस विंडो के अंदर क्या है। जी, हमारे पास हमारे सामने अब ये विंडो आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या वो आप टीवी के लिए बना रहे हैं, क्या आप जो है फ़ोन के लिए बना रहे हैं, ठीक है, या टैबलेट के लिए बना रहे हैं। टैबलेट से हम फ़ोन के लिए, तो फ़ोन के ऊपर उसका स्क्रीन साइज़ क्या होगा, ठीक है, और कितना पिक्सल स्क्रीन साइज़ विथ लार्ज डेंसिटी वगैरह, वहाँ से आपने ये डिसाइड कर लिया। उसके बाद OS रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, कि एंड्रॉयड वर्जन कौन सा होगा, API लेवल कौन सा रखना है, ठीक है, वर्जन कौन सा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास होगा। अगर आप ये करने के अपने डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएंगे। तो यहाँ से आप उस सिस्टम के ऊपर कौन सा एंड्रॉयड वर्जन इंस्टॉल होगा, ठीक है, कौन सा API लेवल, तो वो आप यहाँ से हमने इशू कर दिया है, नेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, और इसको आप नेम भी दे सकते हैं, लेटेस्ट मैट कोर्स, हमने अभी जो बनाया उसको मैंने ये नाम दे दिया और इसी को मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है, आप डिफरेंट डिवाइसेस बना सकते हैं, सब के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ी देर में
जो डिवाइस है ये क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब अगर आप देख सकते हैं तो ये नीचे लेटेस्ट मेड कोर्स के नाम से ये जो डिवाइस आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम रन करते हैं ये जो मैंने ऐप बनाई है। ठीक है, या कोई और हम ऐसा करते हैं कि हम कोई दूसरी ऐप जो है वो खोलते हैं। ठीक है, और इस ऐप को रन करते हैं तो इमिडिएट पे उसका जो आउटपुट आया था कि वो हमें नज़र आए। ठीक है, इसका कोई आउटपुट नहीं है इस ऐप का। सो लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, तो अच्छा अब आप ने इसको रन करना है, ये अब लोड हो रहा है। ठीक है, यदि क्लास बना हुआ है तो आप कुछ भी नहीं, ये लोडिंग हो रही है। ठीक है, वंस अनाउट दिस इज ओके, दिस इज फाइन। ओके, अब ये डिवाइस भी रेडी नहीं है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं ये प्रोसेसिंग नज़र आ रही है, जब तक ये प्रोसेसिंग कम्प्लीट ना हो तो यू कॉन्ट रन दिस प्रोजेक्ट। तो आपने इसका वेट करना है और जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो हम शुक्रिया। ये आप नीचे देख रहे हैं अभी तक प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, जब तक ये प्रोसेसिंग कम्प्लीट ना हो हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास अब ये जो है ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी हमने वो डिवाइसेस दो तीन बनाई थी वर्चुअल डिवाइसेस, वो सारी नज़र आ रही है। तो अब आप इस पे चलाते हैं, इस पे चलाते हैं, इस पे चलाते हैं, तो हमने ये सिलेक्ट किया है। ठीक है, और शुरू कर दिया है। तो अब आपको इम्यूलेटर नज़र आ जाएगा अगर इस आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, और जैसे ही ये ग्रिड बिल्ड रनिंग प्रोसेस हो रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको इमिडिएट स्क्रीन में नज़र आ जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू वेट दिस ग्रिड बिल्ड रनिंग प्रोसेस।
इम्यूलेटर आ गया है तो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इम्यूलेटर को चलाने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें कोई भी एरर ना हो। ठीक है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। मैं जब तक ये इमरेटर रन का जो बटन है यहाँ पे ये ग्रीन नहीं होता तब तक वेट करें। ओके, कुछ देर के लिए हम स्टूडियो को बंद करके दोबारा चलाते हैं। देखिए प्रोसेस वैसे स्पीड अप हो गया। तो ये टाइम लेता है बिकॉज थिंग्स आर हैवी। ठीक है, फ्लट स्टूडियो खुद भी हैवी है तो आपने इसको टाइम देना है। तो इसमें